हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल डीजे व्लॉग में। मैं हूं अशरफ और दोस्तों आज के इस वीडियो में दोस्तों आप सभी के लिए लेके आया हूं म्यूजिक टोन का 120 वाट का एम्पलीफायर। अब बेसिकली दोस्तों आपकी डिमांड थी कि छोटे सेट्स आप दिखाइए यहां पे जो होम रोडे के लिए यूज में हो गए, या फिर जैसे दो या चार ड्राइवर यूनिट्स हमें चलाने हो, हॉर्न यूनिट चलाने हो, या फिर 10 इंची 12 इंची के जो स्पीकर्स हैं, छोटे मोटे 100-150 वाट के जो है स्पीकर्स चलाने हो, तो लीजिए दोस्तों ये छोटा सा प्यारा सा हमारे पास आ चुका है एम्पलीफायर। इसके अंदर ब्लूटूथ और यहाँ पे FM रेडियो, माइक्रो SD कार्ड, बहुत सारी फीचर्स जो हैं वो आपको मैं दिखाऊंगा इस वीडियो में। तो फिलहाल अभी हम करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, डिटेल्स जानेंगे कैसा है, इंटेल पार्ट की क्वालिटी भी मैं आपको खोल के दिखाऊंगा। तो वीडियो काफी अच्छी होने वाली है। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। चलते हैं इस वीडियो की तरफ, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं हमारे एम्पलीफायर के फ्रंट पैनल पे हमें क्या क्या डिटेल्स मिल जाती हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं म्यूजिक टोन की आपको ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। दोस्तों लेवल इंडिकेटर आ जाता है, उसके जस्ट नीचे आप देख सकते हैं उन्हें स्विच ऑफ बटन आ जाता है। मॉडल नंबर यहाँ पे मेंशन करा गया है USB 120, और यहाँ पे इसका दोस्तों ये देख सकते हैं मल्टी मीडिया ये पैनल हो जाता है। तो ये आपको इसमें ब्लूटूथ मिल जाता है, इसमें आप देख सकते हैं इसमें आप ब्लूटूथ ले सकते हैं, या फिर अगर आप पेन ड्राइव से इसको प्ले करना चाहते हैं, मेमोरी कार्ड लगाना चाहते हैं, तो सारी चीज़ें इसके अंदर मिल जाती है। ये TFT कार्ड है, यानी छोटा वाला जो मेमोरी कार्ड होता है आपके फ़ोन में लगता है वो इसके अंदर इजीली प्लेस हो जाएगा। तो आप सारे कंट्रोल इसके अंदर दे सकते हैं, आप यहाँ से सारा कंट्रोल कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो आप ब्लूटूथ का जो है वो कनेक्ट करके मजा ले सकते हैं। बेस, ट्रेबल और मास्टर, ये तीनों आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। 1 से लेकर यहाँ पे 5 तक आपको इनपुट मिल जाते हैं। आप इनपुट में यहाँ पे दे सकते हैं 4 और 5 के अंदर आपको ऑप्शन मिलते हैं। 4 में जो है वो ऑक्सिलरी यानी AUX 1 और 2 का ऑप्शन आप दे सकते हैं, और 5वें में आप चाहे USB यानी ये वाला जो पैनल है आप इसको यूज में ले सकते हैं। तो इसके लिए सेपरेट स्विच दे देगा, बाकी आप यहाँ पे सेपरेट यहाँ पे माइक चला सकते हैं, जो कि आपको फुल इनपुट मिलता है। इसके अंदर कोई भी आपको स्विच नहीं मिलता है। बाकी दोस्तों ये हैंडल जो है वो प्लास्टिक क्वालिटी के हो जाते हैं। चलते हैं इसके बैक साइड को भी हम देख लेते हैं। तो दोस्तों ये आ जाता है एम्पलीफायर का बैक पैनल। अब बैक पैनल पे दोस्तों आपको काफी सारी चीज जो है वो यहाँ पे मेंशन हो रही है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनपुट की। तो यहाँ पे AUX 1 और AUX 2, जैसे कि मैंने आपको आगे दिखाया था, स्विच आप सिलेक्ट कर सकते हैं। बाई चांस ये AUX 1 और AUX 2 इसलिए दिया गया कि अगर एक खराब हो जाए तो आपके पास एक ऑप्शन रहे, क्योंकि बेसिकली ज़्यादातर जो ऐसे एम्पलीफायर होते हैं वो होम ऑडियो के लिए काम में लेते हैं लोग, या फिर सिर्फ और सिर्फ ऑक्स लगा के और छोटे मोटे स्पीकर्स या हॉर्न्स को लगा के काम में लेते हैं। तो ऑप्शन आपको दे दिए हैं, कंपनी ने काफ़ी वर्क करा है इस पर। लाइनआउट हो जाता है, यानी अगर आपको और एम्पलीफायर पैच करने हो तो यहाँ पे आप ले सकते हैं। प्री आउट भी आपको दिया गया है। अब बात करते हैं इसके अंदर आप देख सकते हैं ट्रांजिस्टर्स की। तो यहाँ पे 4 यूज़ करे गए हैं। हीट सिंक है, ये एल्युमिनियम की हीट सिंक रखी गई, काफ़ी मोटी हीट सिंक रखी गई है, तो ये अच्छा काम करेगी। ये बाहर दे दिया है तो बाहर की जो हवा यानी नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है उससे भी ठंडा होंगे, प्लस ये हीट सिंक से भी ठंडा होंगे। तो दोनों ऑप्शंस है इसके अंदर। यही अगर मैं बात करूँ आपको ये देख सकते हैं 70 और 100 वोल्ट दोनों का मिल जाता है। अगर ड्राइवर यूनिट अगर आप चलाते तो ये ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। अदरवाइज आपको यहाँ पे देख सकते हैं 4, 8 और 16 ओम्स का जो है वो ऑप्शन मिल जाता है। तो PA एम्पलीफायर को देखते हुए बनाया, PA सिस्टम को देखते हुए बनाया गया कि अगर आप 16 ओम्स का अगर आप स्पीकर कनेक्ट करते हैं तो उसका भी आपको ऑप्शन दे दिया गया है। बाकी ये बैटरी से भी चलने वाला है दोस्तों, तो आप बैटरी से भी इसको ऑपरेट कर सकते हैं। एंटीना, अब एंटीना में दोस्तों एक चीज़ मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी कि इन्होंने अपने, मैं आपको दिखाई देता हूँ, ये देखिए यहाँ पे इस पैकेट के अंदर, अनबॉक्सिंग में पैकिंग के अंदर आपको ये देखिए ये जो केबल है ना एंटीना वाली है। अब क्या कि दूर दराज इलाके में ये RC केबल तो मिलेगी नहीं आपको, काफ़ी परेशानी होती है। और इनकी एक बात मुझे और अच्छी लगती है कि ये फ्यूज़ साथ में देते हैं, यानी आप ये जो सिस्टम है वो बेसिकली बैटरी से चलने वाले सिस्टम, अगर दूर दराज इलाकों में या विलेज टाइप से मिलाते हैं मतलब मंगाते हैं आप, तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम क्या होता है कि आफ्टर सेल के बाद जो सर्विस होती है कभी कभार फ्यूज़ ख़राब हो जाता है, तो उसमें दिक्कत ना हो, तो फ्यूज़ के चक्कर में आपको 40-50 किलोमीटर दूर जाना ना पड़ जाए, तो इस बात का भी ध्यान देगा। रिमोट भी आता है इसके अंदर दोस्तों बेसिकली, और इसके अंदर दोस्तों आपको जो पावर कॉर्ड है वो वही सेम इंडियन सॉकेट वाला आपको देखने को मिल जाता है, तो आप इजीली जो है वो इंडियन सॉकेट वाले को वो कर पाएंगे, इसके इजीली आप यूज़ कर पाएंगे। बाकी केबल की लेंथ जो है वो अच्छी खासी यहाँ पे दी गई है, तकरीबन 2 मीटर से मुझे 2.5 मीटर यानी 2 से 2.5 मीटर के बीच में लग रहा है, तो काफ़ी लंबी जो है वो उसकी लेंथ दे दी गई है। बाकी दोस्तों कैसा लगा आपको बैक पैनल ज़रूर बताइएगा नीचे कमेंट में। चलिए मैं आपको इंटरनल पार्ट की क्वालिटी दिखाता हूँ। दोस्तों अभी हम जान लेते हैं एम्पलीफायर के इंटरनल पार्ट पर क्वालिटी पर हमें क्या क्या डिटेल्स
मिल जाती है। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे दो ट्रांसफार्मर का यूज़ करा गया है, तो एक तो ये ट्रांसफार्मर हो जाता है और एक ये वाला ट्रांसफार्मर हो जाता है। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सारी चीज़ें जो है वो आपको फिटिंग से ही पता लग रही होगी, की फिटिंग से ही पता लग जाती है वो कैसा परफॉर्मेंस करने वाला है। और यहाँ पे जो फिटिंग करे हैं उनका जो नाम है वो है जी के, तो शॉर्ट आउट तो जी के मेरे भाई, आपका फिटिंग का एम्पलीफायर हमारे पास आ चुका है। और वाकई में ये एम्पलीफायर आप देख सकते हैं इसकी क्वालिटी, यहाँ पे फ्रंट पे ये बोर्ड लगा रहता है दोस्तों, तो ये खोल के मैंने आपको दिखा दिया। बाकी इसके नोब्स हो जाते हैं और ये कार्ड हो जाता है इसका, और यहीं पे ये ब्लूटूथ जिसमें आप ब्लूटूथ हो गया और यहाँ पे आपका मेमोरी कार्ड हो गया, ये सारी चीज़ें ऑक्सिलरी वाला ये वाला जो कार्ड है वो यहाँ पे काम करता है। और ये लेवल इंडिकेटर के लिए हो गया। बाकी डोर ट्रांसफार्मर का यूज़ करा गया है, पावर सप्लाई के कैपेसिटर्स हो गए, इसके अंदर चार लगे हुए हैं और पीछे की बोर्ड की आप क्वालिटी यहाँ पे देखते हैं। इसके अंदर दोस्तों दो फ्यूज़ का यूज़ करा गया है, तो इसलिए पैकेट में आपको दो फ्यूज़ मिलते हैं। बाई चांस अगर ये सही हो तो आप एक बार ज़रूर इसको ओपन करके चेक करिए, अगर आपके पास एम्पलीफायर हो या फिर आप ले रहे हैं तो ये भी ख़राब हो सकता है, इस बात का आपको ध्यान देना है। बाकी दोस्तों आई होप आपको इसकी इंटेल पार्ट की क्वालिटी पसंद आई होगी। तो दोस्तों कैसे लगा आपको एम्पलीफायर ज़रूर नीचे कमेंट बताना। बाकी दोस्तों मैंने आपको दिखाया फ्रंट एंड बैक पैनल, प्लस आपको दिखाया मैंने यहाँ पे इसका इंटेल पार्ट का क्वालिटी, आई होप आपको पसंद आया होगा। दोस्तों और डिटेल हम जान लेते हैं दोस्तों, जैसे कि ये एक कॉम्पैक्ट साइज में आता सबसे पहली बात। और दोस्तों आपका कुछ पॉइंट्स को मेरे को यहाँ पे लगा कि मेरे को बताना जरूरी है। आपके पॉइंट ये थे कि मार्केट में जो एम्पलीफायर मिलते हैं पीए छोटे एम्पलीफायर मिलते हैं उनकी चैसी हैवी नहीं होती, तो नहीं दोस्तों इसके साथ में ऐसा नहीं है, पेंट जो है वो निकल जाता है मार्केट के जितने भी जर्नल्स एम्पलीफायर होते हैं, तो नहीं दोस्तों इसके अंदर जो है वो पाउडर कोटेड पेंट करा गया है। सबसे पहली बात ये पेंट जल्दी नहीं निकलेगा, इस बात का आपको ध्यान देना है। चैसी की जो मोटाई है वो ठीक रखी गई है, तो बाकी मार्केट के जर्नल एम्पलीफायर से ये आपको बेटर ऑप्शन देता है। बात करते हैं इसकी टेस्टिंग का, तो दोस्तों यहाँ पे टेस्टिंग मैं आपको करके दिखाता हूँ, माइक्रोफोन प्लस यहाँ पे ब्लूटूथ कनेक्ट करके भी आपको चला के दिखाता हूँ। तो चलिए यहाँ पे टेस्टिंग देख लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे टेस्टिंग करते हैं, तो अभी हमारा एम्पलीफायर फिट है यहाँ पे, तो लोड मैंने इस पे डाला हुआ है तकरीबन 300 वाट का लोड डाला हुआ है। तो फिलहाल मैं भी यहाँ से सॉन्ग प्ले करता हूँ, माइक्रोफोन की भी जो है वो टेस्टिंग दिखा दूंगा क्वालिटी कैसा देगा। टाइम आता है माइक के साथ टेस्टिंग का, तो चलिए मैं आपको माइक के साथ टेस्टिंग दिखाता हूँ। और ये जो क्वालिटी है अभी आप हमारे एम्पलीफायर के साथ से जो है वो सुन रहे हैं, होपफुली कि आपको क्वालिटी अच्छी नहीं बहुत अच्छी लग रही होगी, बताइएगा नीचे कमेंट में ज़रूर। और मैं अगर बात करूँ तो लोड काफ़ी अच्छा डाला हुआ है इस पर हमने, तो फिलहाल में जो लोड है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, लोड काफ़ी अच्छा हमने डाला हुआ है, तो कोई भी मेरे को हीटिंग प्रॉब्लम अभी तक नहीं दिखी है इसमें, तो आप देख सकते हैं एम्पलीफायर को। बाकी ये जो अभी सॉन्ग्स मैं प्ले कर रहा था वो सारा का सारा यहाँ पे ब्लूटूथ से कनेक्ट था, मेरे लैपटॉप के ब्लूटूथ से ही कनेक्ट था, तो ऑक्सिलरी का मेरे हिसाब से कोई काम तो है नहीं। बाकी अगर हम मेमोरी कार्ड लगाना चाहते हैं तो ये आपके पास TFT वाले जो है मेमोरी कार्ड इंसर्ट वाले जो है वो ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। होपफुली कि दोस्तों टेस्टिंग अच्छी लगी होगी, एक से लेके आपके पास यहाँ पे 5 तक आप इनपुट कर सकते हैं। मैं वर्क करके दिखा देता हूँ आप सभी को, तो ये दूसरा करा, ठीक है ना, तीसरा हो गया ये, और चौथे में आपको ऑप्शन मिला था ऑक्सिलरी करना चाहते हैं, माइक करना चाहते हैं, तो मैं माइक करा और ये माइक चल गया। पांचवे में भी आपको जो है वो ऑप्शन मिल जाता है, और इस पे मैंने माइक सेलेक्ट करा और ये माइक में हो गया। तो एक से लेके 5 तक माइक्रोफोन, 2, 4 और 5 ऑप्शन हैं, आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं माइक या फिर और किसी चीज में। होपफुली की टेस्टिंग अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों कैसा लगा टेस्टिंग और कैसा लगा एम्पलीफायर जरूर नीचे कमेंट बताइएगा आप सभी। बाकी दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया लोड इस पे मैंने डाला हुआ था 300 वाट का,
और माइक्रोफोन की क्वालिटी मैं आपको दिखा चुका हूँ कि एक से लेकर पांच चैनल तक ये पूरा वर्क करता है, बाकी चार और पांच में आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। ब्लूटूथ वर्क करता है, आप इसके अंदर मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, एफएम रेडियो आप इस पे प्ले कर सकते हैं, बाकी बेस और ट्रेबल का दोनों का ऑप्शन मिल जाता है। बैलेंस चीज दी गई है इसके अंदर, कोई भी ऐसा नहीं है कि बेस में कुछ कम है या फिर ट्रेबल में कुछ कम आ रहा है, तो ऐसा नहीं है, सिग्नल दोनों बराबर मुझे लगे। बाकी पावर कोर्ड की लेंथ भी अच्छी है, एफएम रेडियो आप इसके अंदर चला सकते हैं। और रही बात हीटिंग की, कोई मुझे इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं देखने को मिली है। बाकी दोस्तों आपको कैसा लगा वो एम्पलीफायर ज़रूर बताइएगा, बाकी रिपेयरेबल है, फुल्ली रिपेयरेबल है। और जैसे कि मैंने बताया इसके चैसी यानी इसकी जो बॉडी है चैसी है वो मजबूत रखी गई है, यही चीज़ मैंने देखा था कि आपकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी कि भैया जो छोटे एम्पलीफायर उसकी चैसी जो है वो मजबूत हो, क्योंकि बाकी जनरल जो एम्पलीफायर होते हैं उनकी चैसी इतनी मजबूत नहीं होती है, कहीं से पेंट निकल आता है और कभी कभार गिर जाते हैं तो टूट ही जाते हैं, तो ऐसा नहीं है दोस्तों इसके साथ में। और इसको जनरली जैसे आप ड्राइवर यूनिट हो, अगर बात दो चार यूनिट्स हो तो आप उसके साथ में यूज़ कर सकते हैं, या फिर 100-200 वाट के स्पीकर्स हो तो आप उसके साथ में यूज़ कर सकते हैं। बाकी दोस्तों इसकी बात करते हैं प्राइसिंग डिटेल की, तो दोस्तों इसकी प्राइस है 5500 रुपये, तो आप यहाँ पे ले सकते हैं। और अगर आपको होम ऑडियो या फिर छोटे सिस्टम चाहिए हो तो बिल्कुल से बिल्कुल मैं आपको ये सेट जो है वो रिकमेंडेड करता हूँ। रही बात दोस्तों परचेज करने के लिए, तो ये शोरूम को आपको म्यूजिक टोन का कस्टमर केयर नंबर आप यहां से जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपने नियरेस्ट डीलर का एड्रेस ले सकते हैं या फिर यहां से ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। और 5500 रुपये प्राइस है म्यूजिक टोन का है। बाकी दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, जैसे ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। मिलता हूँ अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।